ओके जी, यूके से तमाम देखने वालों को खुशामदेद, यूके और यूरोप के तमाम साथियों को गुड आफ्टरनून और पाकिस्तान में तमाम रहने वालों को गुड इवनिंग। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये एक टेक्निकल सा सब्जेक्ट है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ आज जो साथी मौजूद हैं जो इस पर बात करेंगे वो इस मैदान के एक्सपर्ट हैं और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपिंग का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत सी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ वो काम कर चुके हैं। उनका ताल्लुक कराची से है और मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के हमारे मेहमान को, जिनका नाम रोलैंड जोसेफ है। वो आज हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, और अगर आप लोगों के पास कोई सवाल होगा, हमारे देखने वालों के पास कोई सवाल होगा, तो आप अपना सवाल जो है वो पोस्ट कर दें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा रोलैंड जोसेफ से कि वो आज की प्रेजेंटेशन पेश करें। ओवर टू यू रोलैंड। थैंक यू आफ्टर भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन शेयर होगी जी, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जो हम लोग देख भी रहे हैं कि आज कल आप एड्स टीवी पे भी देखते होंगे और काफी टाइम से देखते भी आ रहे हैं। टीवी एक मेन मीडियम रहा है शुरू से, जब हम एड्स वगैरह या चीजों को देखते हैं, पर वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं और अब मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो है वो इंटरनेट पे दिखती हैं। आप इंटरनेट यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे भी आपके पास एड आ रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं या कोई आप टिकटॉक ले लें, कोई भी प्लेटफॉर्म में, सब में जहाँ पे यूजर इंटरेक्शन ज्यादा होता है उस जगह पे, वहां पे जितनी भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एड डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये एड जाती कहाँ है और ये एड कौन लोग देते हैं, ठीक है, और ये एड डालने जो डाल रहे होते हैं वो कौन कहलाते हैं। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और जो डिजिटल मार्केटर होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ी सी ऊपर ऊपर से हम इन डेप्थ में जब बात नहीं करेंगे, मगर ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और किस तरह हम एक एज अ डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं या इसमें हम जंप इन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग इन सेल्फ इस बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं डिफरेंट ब्रांचेस की बात करूं तो इसके अंदर सोशल मीडिया जो हम देखते हैं, अगर हम कोई भी बैनर बनाते हैं, इसका भी हमने माइनॉरिटी कंसर्न का देखा, तो आप एक बैनर बनाते हैं कि हम ये इवेंट होस्ट कर रहे हैं, पार्ट ऑफ सोशल मीडिया आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो बेशक किसी भी तरह की मार्केटिंग हो सकती है। फिर इसमें आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग होता है कि आप समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आप कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, आप कोड लिखने में इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, आपसे कोडिंग अच्छी नहीं हो सकती, आपको सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, मगर आपके राइटिंग स्किल बहुत अच्छे हैं, आप लिखारी बहुत अच्छे हैं, तो आप इस चीज को मार्केटिंग स्किल में एक्सेल कर सकते हैं। मैं चंद लोगों को जानता हूँ, बस अफसोस के कृष्ण नहीं, बहुत सारे मुस्लिम, वो एक एक सिर्फ एक पेज लिखने के या पर्टिकुलर सेंटेंस लिखने के वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं और वो मंथली बेसिस पे सैलरी 1 लाख से ऊपर की सैलरी उठाते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ कॉन्टेंट लिखने पे, और खुदा उनका शुक्र है कि मैं जानता हूँ काफी लोग जो हमारे बहुत अच्छे लिखारी हैं, मगर उनको शायद ये नहीं पता कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखे हैं या डिजिटल कंटेंट के लिए लिखे हैं तो वो बहुत बेहतर कमा सकते हैं। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग अगर आप ईमेल्स वगैरह यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न है अभी ये, मगर अभी भी यूज होता है कि ईमेल में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होता है कि हमारी ईमेल सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट्स आती रहेंगी, तो इस तरह की सारी चीजें होती हैं। फिर वीडियो प्रोडक्शंस होती हैं। वीडियो प्रोडक्शंस में क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब में छोटी सी एक एनिमेशन क्लिप आ जाती है, ठीक है, वो एनिमेशन क्लिप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं,
प्रोडक्ट को कैसे दे रहे हैं। इसमें फिर SEO है, इसको भी आगे चल के मैं बताऊंगा ये SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वेब डिजाइनिंग है, SM है, ऐप डेवलपमेंट, मीन जो आप मोबाइल पे ऐप यूज कर रहे हैं, ये थोड़े से जो है डिजिटल मार्केटिंग के मार्केटिंग के आगे ब्रांचेस हैं। आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्यों मैटर करती है और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली इसलिए भी होती है क्योंकि आप एक बिलबोर्ड पे जितना पैसा खर्च कर रहे हो उससे कम पैसे में आप ज्यादा लोगों को रीच कर पा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में। कि आप एक ने बिलबोर्ड लगा दिया, आपने एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर लिया, मगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक पूरा एक एरिया है, मिसाल के तौर पे कराची का एक आधा कराची आपने, साउथ कराची आपने कवर करना है। आप गूगल में जाते हैं, गूगल में लिखते हैं भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है कराची के साउथ एरिया में, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी है पंजाब के साउथ एरिया में, कश्मीर में नहीं करानी। मतलब मुझे कार एक सेल करनी है वो मुझे कश्मीर में नहीं चलेगी, मुझे वो साउथ पंजाब में सेल करनी है। तो आप गूगल को बताते हो, गूगल को उसके लिए पे करते हो कि भाई मेरी एड पर्टिकुलर एरिया में आप चलाओ, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप एक डिजिटल मार्केटर को हायर करते हो, ठीक है, जो आपके लिए एड चलाता है, जो गूगल से आपके लिए जो है ना वो चीजें सेट करता है। गूगल ही इज लाइक अ मीडिएटर बीच में आपके, ठीक है। जिस तरह प्लेटफॉर्म्स और भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के, विकिपीडिया प्लेटफॉर्म है, हबस्पॉट एक CRM है, ठीक है, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, और ये इसमें भी एक और चीज इसमें है कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखें फर्क क्या है ना, कि आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैंने पहले भी बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास यूट्यूब आ जाता है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पे वेबसाइट इटसेल्फ एक तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, ठीक है। आपने वेबसाइट और खासतौर पे, क्योंकि मेरा कंसर्न वेबसाइट से भी है, आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना ली, आपने कपड़े बेच रहे हैं, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर आपका प्रोडक्ट कैसे सेल आउट होगा गूगल पे, गूगल को कैसे पता चलेगा आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो वहां पे काम आता है डिजिटल मार्केटर, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट को गूगल को बताता है और गूगल के आगे सबमिट करवाता है। वो एक अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, अलग चीजें होती हैं जिसमें आपकी वेबसाइट सबमिट होती है। गूगल के अपने एक बॉट होते हैं, बॉट से मुराद है कि गूगल के एक सर्च इंजन होता है, क्रॉल करता है, वो आपकी पूरी साइट को ना अपने पास डेटा एज अ डेटा सेव कर लेता है। जब कोई सर्च करता है भाई मुझे चाहिए ग्रीन कलर की शर्ट, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर की शर्ट तो बहुत सारी होंगी, वो आपकी वाली उठा के लेके आएगा या किसी और मार्केट से रेलिवेंट वो चीजें उठा के लाके दिखा दे। ये तो एक सिनेरियो होगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो इसमें ये होता है कि कंपनीज पे करती हैं, बकायदा कंपनीज पे करती हैं, और वो अपने आप को चल के दिखाता हूँ। कंपनीज पे करती हैं एड्स के लिए, जो कि अभी अगर आपको मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पेड सर्च एड एडवर्ड्स, ये बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपनीज पे करती हैं कि ये टॉप लिस्टिंग पे उनकी एड नजर आए। अगर कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ अभी, जो कि मैंने SEO की बात की थी, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है ये, कि भाई मेरी वेबसाइट का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल टॉप पे दिखा, अगर ग्रीन कलर की शर्ट सर्च करे साउथ पंजाब में तो उसको टॉप पे दिखाइए, बिल्कुल टॉप पे। तो ये पेड होती है, कंपनीज पेड करती हैं कि ये टॉप पे दिखे। और ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है, ऑर्गेनिक सर्च ये होती है कि एक जो बिल्कुल आपने बेसिक हर वेबसाइट के अंदर ना थोड़ा सा एक तरीका होता है कि गूगल उसको कैसे लेगा, उसमें कीवर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं कि भाई मैंने ग्रीन शर्ट, कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, मैंने ग्रीन शर्ट तो डाल दी, इसकी डेफिनेशन नहीं डालूंगा। मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने एक शर्ट तस्वीर डाल दी, मगर शर्ट्स के बारे में आप दुकान से लेने जाते हैं तो आप उसके पहले नाप भी देखते हैं, आप उसको अच्छी तरह वेयर करके भी देखते हैं, मगर ऑनलाइन है हम उसको कैसे देख सकते हैं या हम उसको कैसे पहन सकते हैं। तो कस्टमर को क्या चाहिए होता है ऑनलाइन, कस्टमर देखना चाहता है कि भाई ये मेरे साइज है, प्रॉपर उसकी डिटेल लिखी हुई है, प्रॉपर सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, प्रॉपर उसके बारे में उसका साइज, उसका वेट, उसकी लेंथ और ये वो XYZ सब कुछ लिखा हुआ। तो ये चीज गूगल उठा के अपने पास सेव कर लेता है ऑर्गेनिक सर्च में। जब वो सेव कर लेता है, जब उसको रेलिवेंट सर्च मिल जाता है, तो वो अकॉर्डिंग टू रेटिंग, अब यहाँ पे भी गूगल के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं
ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाएंगे इसके अंदर भी कि वो किस तरह आपको दिखाएगा, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि गूगल का हमेशा होता है कि आपका अगर नीचे देखें तो वो 10 पेज दिखा रहा होता है, जो फर्स्ट पेज पे जो 10 रिजल्ट होते हैं बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सर्च होती है। अगर आपका गोल्डन सर्च में आपका रिजल्ट आ रहा है तो मीन्स कि आपके कुछ सिनेरियोस में से एक सिनेरियो होता है कि भाई आपके वेबसाइट पे विजिटर्स बहुत आ रहे हैं, तब वो रैंक हो रही है। आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है, आपने तस्वीरें बहुत अच्छी डाली हुई है, आपने क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है, और चौथी और आखिरी बात सॉरी पांचवी कि भाई आपने प्राइसिंग बहुत अच्छी दी है दूसरी मार्केट से ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोस मिल के जो है ये गूगल क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ को जो है वेबसाइट के हवाले से जो है ना ये ऑप्टिमाइजेशन करने में और बहुत सारी चीजों के अंदर एसईओ जो है ये हमारे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारी मोस्ट प्रॉबली वेबसाइट की रैंकिंग की बात होती है, अगर हमारे नौजवान अगर कोई भी जो है वो एसईओ बेसिक एसईओ, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्टेप रखना है तो आपको बेसिक एसईओ सीखनी जरूरी है। पहला कदम डिजिटल मार्केटिंग में रखने के लिए, ध्यान कह लें डिजिटल मार्केटिंग की एबीसी जानने के लिए आपको एसईओ को समझना पड़ता है, ठीक है, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसी है गूगल इसको, क्योंकि गूगल के अलावा भी और सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, और भी सर्च इंजन है, बट गूगल इज लाइक सबका फादर है, मतलब ही इज किंग ऑफ द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। तो इसी के अंदर जब आप एक नेक्स्ट लेवल एसईओ सीख जाते हैं तो फिर आ जाता है पीपीसी पे पर क्लिक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि आप पे करते हैं कि भाई मेरी एड ऊपर आ जाए, ठीक है, पे करती हैं कंपनीज इस पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करती हैं मार्केटिंग के लिए। इवन इफ द फेसबुक आल्सो, आप फेसबुक को आप पैसे देते हो तो वो आपकी एड्स चलाता है साइट बकायदा, ठीक है, दैट इज आल्सो पे पर क्लिक, ठीक है। जब उस पे क्लिक होता है तो गूगल कंपनी से भी चार्ज करता है और वो एड चलाने के भी चार्ज करता होता है, ठीक है। तो ये है, और एक एड्स एक और तरीके की एड होती है जो कि एडसेंस कहलाती है, कि आपने एक वेबसाइट बना ली अपनी, ठीक है, आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, आपने अपनी वेबसाइट सबमिट की गूगल को, कहे मुझे अपनी वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर एरिया पे एड लगानी है, ठीक है। तो वो गूगल आपको एड लगा देता है और यूजर आके उस एड पे क्लिक करता है तो आपको पैसे मिलते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आपको उल्टा गूगल आपको पे कर रहा होगा कि गूगल आपके वेबसाइट पे आके एड लगा रहा है और आपको पैसे मिलते हैं इस पे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट पर कोई एड लगाए, उसका क्या प्रोसीजर है और पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा, गूगल उसका प्रोसीजर ये होता है आपसे भाई कि वहां पे हम पहले तो क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं ऑलरेडी 2 अकाउंट अपने एडसेंस के खो चुका हूँ, मगर ये कि मैंने एक वेबसाइट के लिए किया हुआ था, तो वो उसमें ये होता है कि आपको पहले एक तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विजिटर्स आने चाहिए सबसे पहले, ठीक है, मिसाल के तौर पे 1-2 विजिटर आ रहे हैं महीने में तो वो आपकी वेबसाइट को कंसिडर भी नहीं करेंगे। हाँ, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे कोई 1,000-2,000 आ रहा है, ओके, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप उस चीज के लिए अप्लाई करें। जब वो अप्लाई करते हैं वो एटलीस्ट 1 मंथ लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, right. आप बड़ा तहम्मुल वाला, ये बहुत ही तहम्मुल वाला काम है, वो आपको फिर कंफर्मेशन देते हैं, फिर आप उसके अंदर एड बनाते हैं, उनका गूगल का अपना प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, फिर उसमें आप एड बनाते हैं, ठीक है, एड बना के आपको जहां पे भी वेबसाइट में कहीं प्लेस करना होता है वो एड वहां पे आप वो प्लेस कर देते हैं। अक्सर आपको हॉरिजॉन्टल एड्स दिख रहे होते हैं और वर्टिकल एड्स दिख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, बिल्कुल, तो वहां पे जो है वो प्रॉपरली एड वहां पे नजर आने लग जाता है। सही, बिल्कुल ठीक। ये थोड़ी सी डिटेल्स है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है, ठीक है, पे पर क्लिक ट्रैफिक driving traffic to your website, pay by search engine, social media network every time your ad is clicked, ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी बता चुका हूँ। फिर अभी हम बात करते हैं कि social media marketing, ये आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, social media marketing, most probably जो social media marketing है ये ज्यादातर engaging market है, ठीक है, social media marketing, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा factor है, इसमें बहुत ज्यादा plus point है कि जिसमें आपके पास आजकल आ जाता है Instagram,
ठीक है, इंस्टाग्राम आ गया आपके पास, आपकी फेसबुक आ गया, ठीक है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है। बट इन अ बिगर पिक्चर अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो यू शुड स्टार्ट विद एसईओ, यू शुड स्टार्ट विद द कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, ठीक है। और इसमें एक और चीज जो एसईओ के ऊपर दोबारा से आते हैं हम, कि ऑन पेज एसईओ, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा हो, ठीक है, जो पे अभी मैं बात कर रहा था कि आप अपने अल्फाजों का चुनाव बड़ा इसमें गौर से करना पड़ता है, जब अगर आप कोई शर्ट बेच रहे हैं या कोई आप किसी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। अगर खास तौर पे मैंने कराची में जो है आगाही न्यूज चलता है क्रिश्चियन न्यूज़पेपर, ठीक है, उसकी वेबसाइट बनाई, तो उसमें भी जब मैंने बनाया तो उनको यही बताया कि आप अपने अल्फाजों का चुनाव बड़े गौर से और ठीक तरीके से, क्योंकि गूगल उसको रीड करते हुए आपके उसके सर्च इंजन में डालेगा वो। अगर कोई सर्च करता है कि भाई क्रिश्चियन न्यूज़पेपर इन कराची, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट में आएगा। अगर कोई सर्च करता है कि भाई ईस्टर सेलिब्रेशन इन 2021, तो वो ईस्टर और 2021 कहीं ना कहीं आपकी इस डिस्क्रिप्शन में नजर आना चाहिए या इस टाइटल में नजर आना चाहिए, ताकि गूगल इसको, गूगल तो एक तरह से वो इसको तो इंग्लिश नहीं आती ना गूगल को, गूगल बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझता, ठीक है। गूगल अपनी ही कहानी समझता है, अपनी ही तरीके समझता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, या जो अगर कोई टेक्निकल देख रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, टाइटल टैग आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है, ये फर्दर ऑन जो चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है आप पूरा अपने आप अपना जो पूरा वेबसाइट का डेटा है वो गूगल को पास ऑन करते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब why content marketing? ठीक है, content marketing में क्या होता है basically? ठीक है, आपके पास दो चीजें इसमें मैं समझता हूँ कि होती है। एक तो आप अपना content कोई भी blogging कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो ई लर्निंग के ऊपर काम कर रही है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। बिल्कुल ठीक। अब वो अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक प्रोडक्ट या एजुकेशन के लिए एक सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं, मगर उसके बारे में वो आर्टिकल नहीं लिखते और उसके बारे में छोटी सी पब्लिकेशन नहीं करते, तो वो उनकी सेल बढ़ेगी, उनकी लीड आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी उस छोटा सा पार्ट है सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का, इंगेज करना अपने कंटेंट को, अपने यूजर को इंगेज करना, ठीक है। इसमें एक और चीज अभी मैं मेन फोकस करना चाहूंगा, वो ये है कि कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ शायद डिजिटल या ग्राफिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसमें ग्राफिक वीडियो एनिमेशन आ गई, आपके ग्राफिक्स हो गया। अगर मैं एक बैनर बना लूं, आज का है हम बैनर की बात कर लें, एक बड़ा रूखा सा वाइट सा पेन बैकग्राउंड होता और उस पर आपकी और मेरी तस्वीर लगी होती, तो वो शायद इतना अट्रैक्टिव या वो चीज नहीं दिखती, ठीक है। कलरफुल होना और फिर वो कलर उस ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट करता है, यस, ठीक है। मैं एक कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ जो कि कोक स्टूडियो का पूरा इवेंट वो मैनेज करते थे, एक एक चीज, एक एक फॉन्ट स्टाइल कैसे मैटर करता है, फॉन्ट स्टाइल तक मैटर करता है, फॉन्ट साइज मैटर करता है, कि ये ब्रांड दिखेगा कैसे, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर आंखों पे क्या कंपैक्ट डालता है। क्योंकि जब ब्रांडिंग की बात आती है, कंटेंट मार्केटिंग की बात आती है, जो इसमें इस फील्ड में होते हैं दे आर वेरी प्रिस्क्राइब एंड वेरी मतलब एक्यूरेट, कि भाई हमें इसमें कोई गलती नहीं करनी और जो ब्रांड लोगों की तरफ जाए वो कलर्स में भी अच्छा हो और सब चीजों में मतलब एक तरह से परफेक्ट हो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और वापस अगर हम आते हैं पे पर क्लिक पे, इसके ऊपर मैं ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, खास तौर पे अगर कोई हमें जो सुन रहा है अगर वो करना चाहता है, मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि यार अगर आप आईटी फील्ड में आना चाह रहे हो और कोडिंग करने का आपको शौक नहीं है, क्योंकि कोडिंग थोड़ा सा जो है ना दिमाग खुश करने वाला काम है, ये तो है। इसके लिए यू हैव टू बी क्रेजी लिटिल, मतलब सोशल लाइफ थोड़ी सी खत्म हो जाती है, और उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, कोडिंग में बहुत पेशेंस चाहिए, जी, उसमें आपको टाइम चाहिए, आपकी सोशल लाइफ खत्म है, थोड़ी सी खत्म हो जाती है सोशल लाइफ,
मगर आपको शौक है कुछ बनाने का, आपको क्रेजीनेस है कि यार ये कैसे करते हैं, ये किस तरह होता है, तो तब आप उसमें जम गए। अगर आपको नहीं है मगर आप आना चाह रहे हो कि यार मैं आईटी फील्ड में आऊँ, कुछ अच्छा अर्न करना चाह रहा हूँ, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ सीखें। एसईओ सीखने के बाद आप पीपीसी करें। उसकी वजह क्योंकि तो मैंने मार्केट में ऐसे लोग देखे हैं जो पीपीसी करते हैं, दे आर अर्निंग मोर देन 2.5। ओके, टू और पॉइंट फाइव बहुत मीन्स 2.5 मीन्स 2,50,000 के करीब। जी, स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक। स्टार्टिंग ठीक है, तो ये बहुत जो सारे हमारे लोग मुझे नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं, जो जी अभी आप सर एजुकेशन में जी है और जो अपनी बिल्कुल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको बेसिक स्टेप एसईओ करना पड़ेगा, ठीक है। जी बेसिक एसईओ उसको करते करते भी आपको मैक्सिमम 1 से 2 साल लगेंगे उसको ठीक है समझने में। उसमें एक्सेल होना, उसको ठीक है। एक्सेल करने के बाद गूगल खुद आपको ट्रेनिंग देता है, खुद आपको ऑफर्स करता है। गूगल सर्टिफाइड एडसन आपको अकाउंट मिलते हैं, आपको गूगल के बैजेस मिलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इतना एफिशिएंट होते हो कि आपके पास गूगल से आप कुछ स्टडी करते हो, राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक। और उसके बाद जब आप गूगल स्टडी करते हो, गूगल आपको अपना बैज देता है बकायदा कि भाई मेरा सर्टिफाइड बंदा है ये, ठीक है, ये एड्स लगा सकता है, ये मेरी कैंपेन चला सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, ओके, सही। उसके बाद आप जो है पीपीसी की तरफ आप सीख सकते हो। ये एक तरफ से समझ लें डिजिटल मार्केटिंग के अरूज है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। मतलब ये पीपीसी करने वाला बंदा जो है वो एसईओ नहीं कर रहा होता, वो समझ ले एक इस लेवल पे पहुंच गया होता है, वो काम करवा भी रहा होता है और पीपीसी कर भी रहा होता है, उसके अंडर पूरी टीम होती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये पीपीसी जो जो है ये बहुत समझ ले के बहुत बड़ा वास्ट है, क्योंकि मेरा ज्यादातर टारगेट वेबसाइट से पीपीसी में आपको ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि गूगल एड्स इस पे जो इतनी लगती है, एड्स के ऊपर जो क्लिक होता है वो कंपनी पे करती, कंपनी एड के लिए भी पे करती। अब बड़े मजे की बात देखें, आपकी आफ्टर भाई कंपनी है, आप कहते हैं जी मुझे एड चलानी है, ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग पीपीसी मैनेजर हूँ, आप मुझे तो सैलरी दे ही रहे हो, ठीक है, और आप इसमें कंपनी कह रही है भाई मेरी एड भी लगा दो, आप गूगल को भी पैसे दे रहे हो, सही है। मैं वो क्या कहते हैं, मुझे सूखे में पैसे दे रहे हो, मैं तो सिर्फ घर पे बैठ के कंप्यूटर पे कोई कुछ नहीं कर रहा, गूगल गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, गूगल ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, मैं क्लिक क्लिक करके सेटिंग कर रहा हूँ, मुझे तो सीख पर 2 लाख रुपए मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ज्यादातर जो है एक अंडरस्टैंडिंग या एक कॉन्सेप्ट, वो ये है कि ये जो आईटी की दुनिया है, इसका ताल्लुक ज्यादातर नौजवानों से है। बिल्कुल तो अच्छा, तो क्या जो थोड़े से रिटायर्ड लोग हैं या उनका कुछ थोड़ा सा उनके पास काफी फ्री टाइम होता है और वो मेच्योर लोग हैं, क्या वो भी इसमें अपना स्किल सीख सकते हैं या कुछ ट्राई मार सकते हैं, कि ये सिर्फ नौजवानों के लिए, स्पेसिफिकली नौजवानों के लिए? आफ्टर भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो काफी जिन लोगों को जानता हूँ दे आर मोर देन 40+, ठीक है, और काफी, क्योंकि जो पीपीसी वगैरह है ये ज्यादा पुराना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 10 साल पुराना है या 5 साल या 8 साल पुराना है, ये तब भी अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया आप देख ले 2006 या 2005 में एक तरह से फेसबुक जो है वो आना स्टार्ट हुई है, सोशल मीडिया इन होना स्टार्ट हुआ इंटरनेट के अंदर ज्यादातर ओपनली। उससे पहले शायद हमारे जो नए अभी नौजवान है उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऑर्कुट भी कभी कोई चीज हुआ करती थी बिल्कुल फेसबुक सही, से पहले, बिल्कुल ठीक सही। मुझे है। तो मेरा और क्या कोई 6 महीने पहले पता चला है खुद। अच्छा ऑर्कुट के हाँ, बारे में, और हाँ वो जी भी मैंने मैं अपने ऑफिस के हवाले से, क्योंकि वो जो है ऑनलाइन प्रोग्राम करवाता हूँ, तो उसमें हमारे एक स्पीकर आया, तो उसने ये बताया था। क्योंकि उससे पहले जो है वो एड्स वगैरह या जो भी थी वो सब कुछ ऑर्कुट पे हुआ करती थी, तो वो बड़ा बेसिक स्टफ था, और उसके बाद फेसबुक आया, फेसबुक ने ओवरटेक कर लिया गूगल के ऑर्कुट को, तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें इस तरह ऑब्सोलीट होती रही। ठीक, अच्छा अभी यहाँ पे कुछ छोटा सा एक इंटरफेस है फेसबुक ऐड के हवाले से, कि फेसबुक ऐड देखें कैसे चलती हैं, उसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस होती है, उसके अंदर इंगेजमेंट होती है, सेल्स होती है। पहले फेसबुक भी नहीं था इस चीज के अंदर, ठीक है, ज्यादातर गूगल कर रहा था ना, मगर अब फेसबुक ने भी काफी हद तक इस चीज के अंदर जंप इन कर लिया हुआ सही। है।
और मोस्ट प्रोबेबली आजकल हमारे जो है वो नौजवान नस्ल एक और चीज के पीछे पड़ी हुई है कि यार हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अजीब सा काम और शायद मैं उसको प्रेफर नहीं करता पर्सनली तौर पे। अगर जिनको नहीं पता ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, मैं जरा सा छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आप अमेजोन से प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, या अलीबाबा से किसी जगह से भी वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाया, आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई, 10 रुपए वाली प्रोडक्ट को आपने 15 रुपए किया, आपने कस्टमर आपके पास आया, उसने 15 रुपए आपको पे कर दिया और वो प्रोडक्ट बाय कर ली, ठीक है, आप गए, आपने उसके बिहाफ पे अमेजोन या अलीबाबा से बाय किया, उसको भेज दिया, ठीक। जब उसके पास पार्सल पहुंचा उसको तो लगा यार ये तो 10 रुपए लिखे हुए, मुझे तो 15 रुपए पे किए हैं, बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये थोड़ा सा धोखाधड़ी वाला काम लगता है, ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, सही, ठीक है। तो ये काम जो है मैं प्रेफर कर, मुझे काफी सारे नौजवान पूछते हैं ऑर्डर पे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये शायद एक तरह से धोखाधड़ी वाला ही काम है, तो इसको ना ही प्रेफर किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एक बंदे का ट्रस्ट है ना, उसने आपको $15 दिए, आप उसको $10 की चीज बेच रहे हैं, और वो जब जाके सर्च करेगा तो ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन या आपकी चीजें कंट्री की जो है रेपुटेशन खराब होती है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा इनडेप्थ में, थोड़ा सा इसके ऊपर कि ईमेल मार्केटिंग शायद ये पुराना वो है, पहले अगर आपको याद हो हफ्ते पे पहले ईमेल में बड़े जोक्स वगैरह जो आजकल व्हाट्सएप पे आते हैं, किसी दौर में ईमेल पे आया करते थे, ईमेल में तस्वीरें आती थी, सब कुछ आया करता था, अभी भी ये होता है ईमेल मार्केटिंग के हवाले से, मगर अब काफी हद तक ये चीजें कम हो गई है, ठीक है, कि ईमेल में आप अपना एक ऑफर लेटर बना के देते हैं कि भाई हमारा नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लें, या कोई भी प्रमोशन है छुट्टियों के हवाले से, हॉलीडे प्रमोशन हो गई, और ये सारी चीजें ईमेल मार्केटिंग या ईमेल कैंपेन के ऊपर चल रही है। इसके ऊपर से भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी में जो मेरी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट थे उन्होंने ईमेल मार्केटर हायर किया, जिन्होंने ईमेल डिजाइन करके और ईमेल उनको बना के दी, तो एक फ्रीलांसर हायर किया पाकिस्तान में ही। अगर हमारे लोग ईमेल मार्केटिंग के हवाले से भी कुछ काम करना चाहते हैं तो वो इतना अच्छा आराम से विद इन अ वीक उनको 10,000 रुपए उन्होंने पे किया, राइट, ठीक है। तो आप मतलब आईटी फील्ड है और डिजिटल मार्केटिंग है, आप इसमें भूखे नहीं रह सकते, आप अपने आप के पोटेंशियल है आपके अंदर वर्थ है, आप अपने आप को कैश कराना जानते हो, तो आप इसमें कभी भूखे नहीं रह सकते, सही। ठीक है, आपसे भी इसमें एक और चीज है, हम इसको फिर आज से अभी हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि डिजिटल मार्केटर क्या होता है, ठीक है, एसईओ मैनेजर क्या होता है, हम उसके ऊपर अभी आ जाते हैं, हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुके हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या मार्केटिंग के अंदर होता है, एसईओ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, हमने ईमेल मार्केटिंग डिस्कस कर लिया, हमने कंटेंट डिस्कस कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, हर चीज के ऊपर हम थोड़ी सी, अभी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटर्स के ऊपर ना, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके एक अगर जिस कंपनी में मैं हूँ वो एक ब्रांड लॉन्च कर रही है, वो ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वो ब्रांड कोई शूज का ब्रांड भी हो सकता है, या वो पूरा एक ब्रांड ये हो सकता है कि वो कोई क्लोथिंग कंपनी है, या कोई जिसका साना से फीनियस ले लें, कोई भी ब्रांड हो सकता है, तो डिजिटल मार्केटर उस ब्रांड को लेके उस ब्रांड को पूरा वो डिजाइन करेगा, उसका लोगो कैसा दिखेगा, उसका कंटेंट कैसा होगा, उसका सोशल मीडिया पे बैनर्स कैसे जाएंगे, सर्च इंजन रैंकिंग तक मैटर करती है, okay. ठीक है, सर्च इंजन रैंकिंग क्या है, सर्च इंजन रैंकिंग जो अभी हमने बात की कि जो आपका फर्स्ट पेज गूगल का आता है उसके अंदर 10th के अंदर जो लिस्ट में आ रहा था वो सर्च इंजन रैंकिंग कहलाती है, राइट, ऑनलाइन एड कैसे डिस्प्ले होंगी, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स बहुत मैटर करते हैं, अक्सर आप फॉरम्स वगैरह पे देखते हैं कि ये जो है बात हो रही होती है कि ये कपड़ा अच्छा था, या साना सफीनियस का अच्छा था, या किसी और ब्रांड का अच्छा था, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉपर जो है एक डिजिटल मार्केटर की ड्यूटी होती है।
इसके बाद इसमें SEO मैनेजर होता है, ठीक है, जो पूरी सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। SEO कंटेंट क्या होगा, SEO कंटेंट क्या होता है, कंटेंट के अंदर जो आपके पास गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टाइटल आया, उसके नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन आई, तो वो जो है वो SEO मैनेजर और वो जो SEO वाले पर्सन है वो सारा कुछ हैंडल कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट, इसके अंदर फिर कंटेंट मार्केट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ जाता है, सोशल मीडिया मैनेजर आ गया जो आपके सोशल मीडिया के सारे हैंडल चीजें जो है ना वो हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। और कंटेंट मार्केटर हो गया जो आपको कंटेंट लिख के दे रहा होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटर हो गया जो आपकी कॉस्ट वगैरह और जो आप पेड एड हो गई उसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, उसके ऊपर क्या हमने गूगल को कितना पे करना है, और हमें रेवेन्यू अगर हम एड लगा रहे हैं उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा या हमारे पास ट्रैफिक किधर से आएगा। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं दुबई में जब लास्ट ईयर कोरोना से पहले काम कर रहा था तो एक जिम एक कोरियन ने खोला हुआ था अपने घर पे, एंड ही वांटेड टू मार्केट दैट जिम इन पर्टिकुलर वन एरिया ओनली, लाइक अगर एक अहमदाबाद का एरिया कराची में, तो बस वो चाह रहा है कि उन्हीं एरिया में मेरी एड दिखे और मैं उसी एरिया के अंदर रहते हुए जो है ना गूगल की एड चलती है, जो जो एड देखेगा तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा कि यार फलाने बंदे ने जिम जो है ना इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर खोला हो। तो ये एक मार्केटर का काम होता है स्ट्रेटेजाइज करना कि भाई आपका कम से कम, भाई मैं आप कम से कम पैसों में इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी एड चला दूं। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई और सवाल है तो आप आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल दो सवाल है लेकिन वो आखिर में ना आप कंक्लूड कर लें तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, बाकी इसमें ये है कि मैं यही कंक्लूड अब इसमें आखिर में ये है कि हम अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है ना बहुत पेशेंस की जरूरत है, ठीक है, सही। बहुत पेशेंस की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी, जिसमें आपको लिखना नहीं, जिसमें आपको सिर्फ गूगल से सीखना है, क्लिकिंग वाला काम है। अगर मैं स्क्रीन जो है मैं कुछ दूसरी चीज पे शेयर करना चाहूँ, एक मिनट मैं स्क्रीन अगर आपको एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी प्लीज, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन। अभी आपके पास स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट हुई? जी जी अब हुई, यस। अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जैसा मेरी एक वेबसाइट है, मेरी जाती वेबसाइट है ronaldjoseph.com, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक कोड लगा हुआ है जो कि गूगल का है, गूगल एनालिटिक्स कहलाता है ये। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये किस किस कंट्री से मेरी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, यूएसए अच्छा? से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से ब्राउजर से आ रहे हैं, क्रोम ये वो, फिर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हैं, विंडोज मैकिंटोश एंड्रॉइड। तो ये समझ ले टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा और वेबसाइट का भी मैं आपको दिखाता हूँ अगर मिल जाए, क्योंकि इसका डेटा मेरी वेबसाइट से आता है अगाही न्यूज। जी जी ठीक है। इसमें अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो रियल टाइम पे कितने यूजर्स हैं, अभी ये कोई यूएसए में बैठा हुआ है मेरी वेबसाइट खोल के, अगाही ठीक है ये बता रहा है कि 1 यूजर इज एक्टिव। ये ट्रैफिक का सोर्स कहाँ से आ रहा है, सोशल मीडिया से बंदा आया था, फेसबुक से मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। ऑडियंस कहाँ से है, क्विंटेंस है, क्विंटेंस आप, ये छोटे छोटे स्टार्ट है। देखिए मेरी ज्यादातर ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रही है, मेरी ज्यादा ट्रैफिक डायरेक्ट आ रही है, मतलब 17% इधर से आ रही है, 77% फेसबुक से आ रही है, बिल्कुल ठीक। 6% जो है ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक सर्च क्या मतलब किसी ने अगाही न्यूज या क्रिश्चियन न्यूज लिखा होगा तो वहां से आ रहे हैं। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था क्योंकि इस पे तो बहुत सारी हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो कि एटलीस्ट अगर मुझे कहूँ तो मैं डिजिटल मार्केटर फुल फ्लैश तो नहीं बट ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि ये किस तरह चीजें काम करती हैं।
अब ये देखिए इसमें मेजोरिटी ऑफ आगाही न्यूज के अंदर यूएसए से लोग आ रहे हैं और इसमें एक फिल्टरेशन लगती है जिसमें एज फैक्टर भी पता चलता है किस एज फैक्टर के लोग आ रहे हैं कि कौन कौन सा पेज आपका व्यू हुआ है। तो इस तरह ये सारी चीजें जो है हमारे पास चल रही होती हैं। तो ये था थोड़ा सा ऊपर पर से डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम इसको सीखना चाहते हैं तो पहला स्टेप एसईओ मोज। अगर कोई ऑनलाइन भी इसको स्टार्ट करना चाहता है तो ये बहुत जबरदस्त साइट है एसईओ मोज। अच्छा, बेसिक्स, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं आप कि कैसे होती है वेबसाइट के अंदर क्या होता है, बिगिनर टू एडवांस एसईओ। ठीक है, आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर सकते हैं, कोई भी आपसे पैसे नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू आफ्ताब भाई एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत शुक्रिया रोनल्ड जोसेफ साहब। दो सवाल है मेरे पास, दोस्तों ने भेजे हैं। एक तो सवाल यह है कि जब कोई अपनी प्रोडक्ट, कोई भी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट जो है वो तैयार करता है और वो चाहता है कि गूगल पर या कहीं और सोशल मीडिया पर उसकी एड आए, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एड का जो है ना वो कैंपेन्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, गूगल एड कैंपेन्स होती है, मैं आपको दिखा दूं। ओके, ये गूगल एड कैंपेन बनती है, एडवर्टाइज विद गूगल, स्टार्ट प्लेसिंग एड्स ऑन द गूगल। आप पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हो जो कि मैंने पीपीसी की अभी थोड़ी देर बाद की, राइट? ठीक है, पीपीसी, आप पीपीसी वाला बंदा हायर करते हो, आप उसको पैसे देते हो कि भाई ये मेरी एड है, ये मेरा कंटेंट है, आप इसको मार्केट करना स्टार्ट कर दो। सही, ठीक है। जिस तरह अभी यहाँ पे भी अगर आपको मेरी स्क्रीन पे देखा, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इस तरह आप इसको जो है वो अपने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट जो है वो आप इस पे डाल सकते हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त हो गया। दूसरा सवाल था कि जो वेबसाइट है आप उसे कैसे ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट को। कई लोगों की वेबसाइट्स होती है उनकी पर्सनल होती है, कईयों की प्रोफेशनल होती है, कईयों के किसी और काम से रिलेटेड होती है, तो उसको प्रमोट कैसे ज्यादा किया जा सकता है वेबसाइट को? अच्छा, प्रमोट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। अभी अगर आप मैं देखें, गूगल काम करता है, गूगल हमारी सबसे पहले ना समझने की जरूरत है कि गूगल काम कैसे करता है ना। ठीक है, क्या? और ये ज्यादा बेहतर समझते हैं जो मार्केटिंग में बैठे होते हैं या गूगल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लाइक मैंने अभी रोनाल्ड जोसेफ लिखा, आप अगर मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोनाल्ड जोसेफ वर्डप्रेस, उसने जहाँ जहाँ ये देखे वर्डप्रेस लिखा हुआ था ना वो उठा के ले आया, ये सारी मेरी प्रोफाइल जहाँ जहाँ वर्डप्रेस लिखा हुआ था उठा के ले आया। तो वेबसाइट जब बन जाती है ना तो फिर एक एसईओ वाले का काम होता है कि वो आपकी वेबसाइट में ना ऑल्टरेशन करता है, आपके कंटेंट पे ऑल्टरेशन करता है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है रैंकिंग में आ जाए। अगर मैं रोनाल्ड जोसेफ कराची लिखूंगा तो देखिए पूरा सर्च रिजल्ट मेरा चेंज हो गया एक कीवर्ड से, एक कीवर्ड से। तो ये काम जो है ये एसईओ और डिजिटल मार्केटर का होता है कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स है, बेसिकली कीवर्ड्स हैं ये रोनाल्ड जोसेफ, ये देखें कराची, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स पे अब अगर मैं देखूं कि आई एम अ सर्टिफाइड कंप्यूटर प्रोफेशनल बेस्ड इन कराची, अब कोई वेब डेवलपर भी सर्च करेगा ना कराची में, मेरा ऑलरेडी तो काफी ज्यादा है बट उसको वो हिट करेगा जरूर, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट नहीं तो सेकेंड या थर्ड पेज पे मेरा आ रहा होगा। सही, ठीक है, तो इस तरह करके जो चीजें हैं, इस तरह करके जो चीजें हैं ये एसईओ वाला जो एसईओ जो सीख लेता है वो उसको ऑप्टिमाइज करता है वेबसाइट, ताकि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में आ जाए। तो रोनाल्ड इसके कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी है? जी आफ्ताब भाई, वैसे तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाते हैं जो कि यूडेमी पे भी है। ठीक है, अगर कोई अगर फ्री में करना चाह रहा है जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, I can help him how to get Udemy courses for free. बिल्कुल basic courses. ठीक है, और एक course जो है मैंने शायद पहले भी जब पिछले एक सेमिनार में थे मैंने एक वेबसाइट भी शेयर की थी,
मैं अभी भी शेयर कर देता हूँ। ये देखिए सोशल मीडिया जो अभी बात कर क्रिएट सोशल मीडिया कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे। ओके ठीक है, ये फ्यूचर लर्न वेबसाइट है जिसपे ये यूके बेस्ड आई थिंक तो यूनिवर्सिटीज इनके साथ एफिलिएटेड है। यस यस, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है सर्टिफिकेशन। ये देखें फ्री कोर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये देखें गूगल एड कोर्स बिगिनर फ्रॉम जीरो टू पीपीसी हीरो, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पे आपको बेशुमार कोर्सेज मिलेंगे, मगर किसी को वैसे चाहिए, कोई आप चाह रहे हैं कि यूडी में भी मिल जाए। और बकायदा अगर आप यूडी में भी जाते हैं, मैं कहूँ कि मैं अभी कल परसों एक अपने टेक के हवाले से देख रहा था कोर्स, $11.99 का है, पाकिस्तानी 1500-1600 रुपए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आपकी खुद की एफर्ट होनी चाहिए, अगर आप शौक रखते हैं तो 1500 या 1600 कोई मायने नहीं रखते, हम 2000 या 2500 रुपए का खाना खा देते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, 1500 रुपए कोई मायने नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दैट्स लवली। और इसके अलावा ये तो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, इसके अलावा एक और था, कैनेडियन एक बंदा है जो कि आपसे मसाल की सिर्फ 2500 रुपए लेता है और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अल नफी, He's a Muslim guy, but ये है कि ये जो कोर्सेज सिखा रहा है आउट क्लास कोर्सेज है। Right. ठीक है, तो आफ्टर पे मेरे पास खजाना है, मैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन जो है कैसे कर सकते हैं। लर्न वन, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये लर्न वन एक वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी आपको हर आईटी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक रुपया नहीं लेंगे आपसे वो। ये देखिए पाइथन मिल जाएगा, पीएचपी कोर्स मिल जाएगा, मैजेंटो मिल जाएगा, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग काफी है, इनमें सेमिनार्स भी हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे कोई जो व्यूअर्स हैं, कोई इनरोल करना चाहता है या कोई ऑनलाइन सीखना चाहता है मगर अमाउंट नहीं वेस्ट करना चाह रहे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। और इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इनिशिएटिव है एक डिजि स्किल्स के नाम से, बिल्कुल सही। ये भी इनका बैच अभी मई को स्टार्ट होगा, तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, ये बहुत ही बेसिक सिखा रहे हैं, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, और इसमें ये डिजिटल मार्केटिंग है। Beautiful. What is digital marketing? ठीक है, तो ये हर कोई सीख सकता है। That's beautiful. ठीक है, आपका भी? Ronald Joseph, thank you very much for your time, your efforts, and the information which you have provided. It's really brilliant. Or आज का जो सेशन हमने रखा था वो इसलिए रखा था कि हमारे बहुत सारे नौजवान और दूसरे लोग भी जिनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है या जिनके पास टाइम है और वो कुछ करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू करें, तो आज के जो सेशन है वो एक इब्तिदा थी कि हम कुछ मदद कर सकें साथियों की, देखने वालों की, कि वो एक अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये काफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, जब आपने इससे कुछ अर्न भी करना हो तो आपको टाइम देना होगा और थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होगा, तो आप जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे। हम मुस्तकबिल में भी इस किस्म के जो छोटे सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे अपने साथियों की मदद से, रोनाल्ड और बाकी जो हमारे नेटवर्क में साथी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम देते हैं, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज, रोनाल्ड का स्पेशल शुक्रिया कि उन्होंने आज टाइम दिया और इतनी भरपूर मालूमात हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच रोनाल्ड। और इसके साथ ही हम आज का जो अपना सेशन है उसे इख्ताम पजीर करते हैं। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू।